हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स का डिज़ाइन जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद सो so, गाइज यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सही डिज़ाइन बना है तो so, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट सो so, गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी स्लीव्स का फैब्रिक ले लेना है तो so, मैं यहाँ पे पफ स्लीव बनाऊंगी तो मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है यहाँ तो साढ़े सात इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है एंड जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे बाईस इंच के करीब ली है उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन इंच पे मार्क कर देना है एंड इस तरीके से एक मार्क कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स का मार्क कर रही हूँ मैं ये आमूल का इसके बाद मैं इसे कटिंग कर लूंगी ऊपर की साइड से सिर्फ इतनी सी मार्किंग है गाइस एंड इतनी सी ही कटिंग है स्लीव्स की बहुत ही इजी है एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये बनने के बाद आप इसे ब्लाउज में भी बना सकते हैं ब्लाउज स्लीव्स में या फिर पफ स्लीव्स आप बहुत ईजिल बना सकते हैं ये नीचे की साइड से आपको अपनी मोरी का मार्क करना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे साढ़े इंच पे मार्क कर दूंगी उसके बाद यहाँ पे आपको कट लगा देना है दोनों फेब्रिक में तो कुछ इस तरीके से ये कट लग जाएगा उसके बाद आपको सेंटर में ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ कट लगा देना है तो यहाँ पे हम पफ बनाएंगे सबसे पहले तो ये पफी बनने की तैयारी हो रही है हमारी तो जहाँ पे हमारे सेंटर में पफ थे वहाँ से आपको प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट्स जो है नीचे की साइड से एक के ऊपर एक आएगी एंड ऊपर सेल्केल की तिरछी कर देनी है आपको इसी से आपका पफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल बनेगा सो so पे आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से अच्छे से प्लेट्स को डाल दिया है उसके बाद दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है जहां तक आपका कट आ रहा है वहीं तक आपको सिर्फ इसमें प्लेट्स को डालना है तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स जो है वो डल चुकी हैं उसके बाद हम इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे एंड इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे नीचे की साइड से स्टिच होने के बाद ऊपर की साइड से आपको सभी प्लेट्स को अच्छे से सेट करते जाना है एंड इसके ऊपर भी स्टिच कर लेना है तो यहाँ पे मैंने सभी प्लेट्स को स्ट्रिच कर लिया है ऊपर की साइड से आपको सभी फैब्रिक को एक सार कर लेना है कटिंग करके सो कैज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पफ है वो रेडी हो चुका है साइड से आपको इस तरीके से मेजर कर लेना है जितनी भी आपको अपनी पफ की मोरी रखनी होगी आपको उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना है एंड हमारा पफ तैयार हो जाएगा उसके बाद हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे जिसके लिए मैंने साढ़े तीन इंच चौड़ी पट्टी दी है एंड चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लें उसके बाद आपको इस पूरी पट्टी पे इस तरीके से गोटे की लाइंस को लगा देना है पूरी पट्टी पे लाइन सोने के बाद ये देख सकते हैं आप इस तरीके का इसका लुक आएगा इस पट्टी का उसके बाद हमने यहाँ पे एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने डेढ़ डेढ़ इंच डे डे ली है लंबाई भी एंड चौड़ाई भी उसके बाद इसके पीछे की साइड इस पट्टी के इस तरीके से आपको रखना है एंड जितनी आपकी जो स्क्वायर शेप है वो कटा हुआ है उसी हिसाब से आपको इसका फेब्रिक कट कर लेना है थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई है आपको इसमें क्वार्टर इंच कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा लेके इसे कट कर लेना है उसके बाद उस क्वार्टर इंच कपड़े को अच्छे से चिपका देना है बैक साइड पे एंड राइट साइड पे आपकी इतनी प्यारी सी ये फिनिशिंग आ जाएगी ये देख सकते हैं इस तरीके का ये पैच बन जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनाएंगे मैंने यहाँ पे चार इंच की चौड़ाई ली है इसकी इसके बाद आपको सभी स्क्वायर शेप वाले जी फैब्रिक जो होगा आपका उसे आपको नेट के ऊपर बीच में रखना है बिल्कुल सेंटर में एंड बिल्कुल सेंटर में स्टिच करते चले जाना है एक के बाद एक आपको रखते चले जाना है एंड इसी तरीके से स्टिच कर लेना है सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है उसके बाद बिल्कुल किनारी पे आपको इसके ऊपर स्टिच करते चले जाना है सबसे पहले आपको सेंटर से ज्वाइंट करना है इसे अच्छे से उसके बाद इसकी किनारी पे स्टिच करते चले जाना है जिस तरीके से वीडियो पे दिखाया जा रहा है दोनों तरफ से आपको इसी तरीके से स्टिच करना है इसके ऊपर सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्क्वायर शेप जो है हमारी वो स्टिच हो चुकी है कितना ब्यूटीफुल से इसका लुक आ रहा है इसके बाद हमने यहाँ पे गोटा लेना है चंपा वाला जो नोक वाला गोटा होता है वो उसे आपको दोनों तरफ लगा देना है इस नेट के दोनों तरफ गोटा लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे दो इंच के करीब ली है उसके बाद आपको इसे इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से बॉर्डर को एंड इसे स्टिच कर लेना है यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है स्टिच करने के बाद इसको राइट साइड पे आपको टर्न करना है एंड कॉटन कपड़ा फोल्ड करके इसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है इसके ऊपर तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है पूरी बॉर्डर हमारा तैयार हो चुका है उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में फैब्रिक लिया है उसे आपको इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है एंड इसके नीचे रखते जाना है एंड इसे स्टिच कर लेना है सभी ट्राइंगल को बराबर बराबर स्टिच करना है आपको सो गाइज यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है वो तैयार हो चुका है उसके बाद हम अपनी पफ स्लीव के ऊपर इस बॉर्डर को रखेंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है इसके ऊपर टॉप स्टिच भी आपको दे देनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी स्लीव्स का जो डिजाइन है वो कंप्लीट कर दिया है गाइस देख सकते हैं आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज